रहीम या रहमान या रहीम या मुकल्लिबुल क़ुलूब सबकी कल्बी वला दीनी का। मौत के सैलाब में हर खुशबतर बह जाएगा, हाँ मगर नामे अली इब्ने हुसैन, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। आज के हवाले से मैं प्रेसिडेंट सिटीजन सीनियर सिटीजन्स फोरम संभल सोनावारी की तरफ से आपके सामने हूँ। मेरा मुद्दा और मकसद आपके साथ बात करने का सिर्फ ये है कि आजकल हमारे मुतबारक आयाम मुहर्रम के चल रहे हैं, आज चौथा मुहर्रम भी गुजर गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां मुहर्रम से पहले भी एक मीटिंग लेने का मीटिंग इनका की डीसी साहब की क़यादत में, तो उसमें बहुत सारे फैसला जात हुए। हम बड़े इम्प्रेस हुए थे कि डीसी साहब ने कबल वक्त ही मुहर्रम इंतज़ाम का जायज़ा लेने की कोशिश की और लिया भी, लेकिन जो मामले वहाँ पर जिन पर गौर खोज हुआ उन मामलों को देख के आज तक जैसे कि 5 और 7 दिन गुजर भी गए, हमने उस तरीके का उनमें अमल दरामद होने का यकीन नहीं हुआ। बार बार हम उनके पास गए, आला हुकाम के पास गए, डिपार्टमेंटल हेड के पास गए, जैसे एक्जन आरएनबी की बात है, जैसे AEPHE की बात है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की बात है, जैसे PHE की बात है, जैसे मेडिकल की बात है, जैसे म्यूनसिपल कमेटी संभल की बात है, जिनका वास्ता हमारे मुहर्रम के इन आयाम में पड़ता है। लेकिन मुझे सितम ज़रीफ़ी के साथ कहना पड़ता है कि डीसी साहब ने बहुत बड़ी डायरेक्शन दे दी और हमारे सामने कांग्रेस भी ले ली, लेकिन जब नीचे इस सूत्र पर आते हैं हम देखते हैं मैदान में हमें इन चीज़ों का फुकदान नज़र आ रहा है। मैं पानी की बात कहूँ, इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए हमारे बहुत सारे गांव अनकनेक्टेड है, वहाँ पर उन्होंने टैंकर सप्लाई वाटर बढ़ाने की कोशिश की, किसी हद तक बढ़ाई भी लेकिन माकूल नहीं हो पा रही है। मैं पावर के हवाले से पिछले 2-3 दिनों में माकूलियत आई है, हमें पावर की सप्लाई मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो हमारे लिए है वो चावल का मामला है। हाँ, डीसी साहब ने SDM साहब ने फैसला लिया था जो हमारी सेविंग होती है उस सेविंग के हवाले से हम मुहर्रम का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन 2-3 बार उनके पास जाने के बावजूद भी आज तक उसका कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। हमें यही लग रहा है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स है वो इसमें सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो इन मामलों का हद निपटारा होता और आवाम को सहूलियात मिलती। इसी तरीके से पानी के हवाले से हमने बार बार ये बावर कराया कि बहुत सारी स्कीमें चल रही है, जैसे हमारी मानसगढ़ स्कीम चल रही है, कोई पानी का फुकदान यहाँ पर नहीं है। हमने गुजारिश की थी इस पानी को दिन में दो बार ओपन किया जाए, अगर शाम सवेरे आता है 10 बजे, लेकिन 4 बजे का एक और टाइम दिया जाए इन 15 दिनों में, ताकि आम इंसान को और नियाज और नज़र करने वाले लोगों को इससे फ़ायदा मिले। इसी तरीके से RNB के हवाले से उन्होंने टेंडर फ्लोट तो किया है, लेकिन वहाँ पर परेशानी आ रही है कि उनके कहने के मुताबिक हमें सप्लाई नहीं आ रही है, जो उसके हवाले से उनका कहना है कि मुझे सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें मुझे परमिशन चाहिए और परमिशन ना होने की वजह से हमारे अबूर और मरूर गाड़ियों को लेने और लाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें ज़रा वो कॉन्ग्निजेंस ले और उनको टेम्प्ररी परमिशन इन 10 दिनों के लिए दिया जाए, ताकि जहाँ जहाँ उनको जुलूस के अवशरे के जो जुलूस निकलते हैं उन रास्तों को वो ठीक कर पाए। मेडिकल के हवाले से मैंने कल चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाए। उनसे भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जिस तरीके से उन्होंने करके आए हैं मुहर्रम के आयाम में, उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, मेडिसिन सप्लाई को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आज अब देखते हैं पॉपुलेशन का इन्फ्लेशन हुआ है, पिछले साल जो हमारी आबादी थी आज के मुकाबले में उससे ज़्यादा आबादी है। मैं चाहता हूँ वो अपने स्टॉक्स को बढ़ाए, अपने एम्बुलेंस सर्विस को और मज़ीद फाल करें और उन इलाकों में जाए जहाँ मेडिकल का कोई नामो निशान नहीं है। मेरी अर्ज़ रहेगी म्यूनसिपलिटी को कि जैसे सैनिटेशन के हवाले से फैसला लिया गया था कि तमाम इमाम बारगाहों को की सेहत सफाई के लिए काम अंजाम दिया जाएगा, लेकिन आज तक हमने देखा है कि चंद कुछ इमामबारों को छोड़ के अभी तक वो इनकी टीमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से फैसला लिया गया था कि बहुत सारे स्ट्रीट लाइट तो सोलर लाइट चल रही है लेकिन डिफंक की सूरत में है, उनको ठीक करने का एक ज़ोरदार मुहिम की ज़रूरत थी। मुझे नहीं लगता है कि अभी 5% या 10% ही वो एक्टिवेट हो पाए हैं।
मोहतबाना गुजारिश रहेगी फिर एक बार कि उनको देखा जाए और उन खम्भों को ठीक किया जाए ताकि अबूर मरूर जो खासकर हमारे शब होते हैं इन शबों में लोगों को आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।